तो दोस्तों रवि तेजा को हाल ही में एक जैसे रोल करने के लिए काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा रोल किया है जो एक परफॉर्मर के तौर पर उनकी रेंज को दिखाता है। साउथ स्टार रवि तेजा की आगामी फिल्म रामा राव ऑन ड्यूटी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर में रवि दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनके फैंस को इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार था। अब इस ट्रेलर के सामने आने के बाद लोगों की बेताबी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। रवि के फैंस इस फिल्म में उन्हें एक बार फिर जबरदस्त एक्शन करते हुए देख सकेंगे। फिलहाल इस फिल्म को हिट बनाने के लिए इसका जमकर प्रमोशन किया जा रहा है। इस फिल्म में रवि तेजा रामा राव का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। फिल्म में उनकी भूमिका डिप्टी कलेक्टर की है। ट्रेलर में रवि तेजा को एक सरकारी अधिकारी के रूप में दिखाया गया है। फिल्म की कहानी को साल 1995 में सेट किया गया है। इस ट्रेलर से रवि लोगों पर अच्छी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। फिल्म का निर्देशन सर्थ मंडावा ने किया है। बताते रवि तेजा को हाल ही में एक जैसे रोल करने के लिए काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा रोल किया है जो एक परफॉर्मर के तौर पर उनकी रेंज को दिखाता है। फिल्म में दिव्यांश कौशिक राजेश विजयन लीड रोल में नजर आ रही है। फिल्म का निर्माण सुधाचारी चेरुकारी ने किया है। जानकारी के लिए मुताबिक ये फिल्म 29 जुलाई को रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल करती है। तो दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।